मशहूर एक्ट्रेस दी रूममेट ने कीती जम के कुटमार, चेहरे दा कर दिता बुरा हाल। छोटी स्क्रीन दी मशहूर एक्ट्रेस नालिनी नेगी नूं लैके एक बुरी खबर सामने आई है। नालिनी दे नाल उसदी ही रूममेट ने कर दिती पिटाई, जिस विच उस रूममेट दी मां भी शामिल है। सीरियल नामकरण पोरस वर्गे कई हिट सीरियल च काम कर चुकी नालिनी नेगी ने अपनी रूममेट प्रीति राणा ते कुटमार दे गंभीर आरोप लगाए हन। एक एक्ट्रेस दे लई उसदा फेस ही सब कुछ हुंदा है, ए तां सब नूं पता ही है। फेस ही है जो किसी भी आम इंसान नूं नेम फेम दिलवा सकदा है, पर की होवे जेकर फेस ही बिगड़ जाए। कुछ एदां दा ही होया है नालिनी नेगी नाल। कुटमार तों बाद टीवी एक्ट्रेस नालिनी नेगी दा फेस बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स दी मन्नीए तां नालिनी ने मुंबई दे ओशीवारा पुलिस स्टेशन च भी दोहां दे खिलाफ FIR दर्ज करवा दित्ती है। मामले दी जानकारी दिंदे होए नालिनी नेगी ने दस्या कि सो बेसिकली नेहा, मेरे से लाइफ में सबसे बड़ी गलती ये हुई। देखो आजकल क्या होता है, हम लोग फ्रेंड्स जो होते हैं, हम लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, बिकॉज आजकल ऐसी जनरेशन है यू नो, कि सब लोग फैमिली से दूर रह रहे हैं। बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे लोग काम करने आते हैं, तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि आपके जो कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो आपके होम टाउन में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी मेरी, बहुत टाइम से फ्रेंड थी, मेरे पुराने घर से मतलब मेरे साथ रहती थी एज अ फ्लैटमेट। और मेरे जितने भी क्वार्टर्स हैं ऑलमोस्ट सब उसको जानते ही हैं, उन लोग का घर पे आना लगा रहता है, तो सब उससे मिले हुए हैं इनफैक्ट। और शी वॉज मोर लाइक अ फ्रेंड से ज़्यादा मैं ये कहूँ, क्योंकि वो फैमिली की तरह थी। वो उसकी मॉम मेरे घर वालों को, मेरे घर वाले जो थे वो उससे अच्छे से मिले हुए थे, अच्छे से बात करती थी। सो ऑल ऑफ सडन अभी इस घर में मेरे साथ रह भी रही थी उसको, बेसिकली शी अप्रोच मी, उसके पास घर नहीं था पुराने घर से, जब मैं शिफ्ट कर रही थी तो उसके पास घर नहीं था। तो शी वॉज लाइक यू नो नालिनी, मैं तो ऐसा शिफ्ट हो जाती हूँ, मेरे पास अभी है नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी मुझे लोनली रहना इतना खास पसंद नहीं है, और इंसान को चाहिए होता है यार कि आपको अगर एटलीस्ट घर में कोई तो हो आपके साथ, अगर कभी कुछ हो जाए तो आप किसी को तो इन्फॉर्म करो, या कोई आपके आसपास रहे तो आपको एक कुछ सेटिस्फैक्शन होती है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, वो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा चलो ठीक है, फ्रेंड है इतने टाइम से है, अच्छी खासी बातचीत है, घर वालों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो यार इसको मैंने रख लिया अपने घर में। शी वॉज लाइक माई फ्लैटमेट, और वो मेरे साथ रह रही थी अच्छे से। सो अभी ऑल ऑफ सडन मेरी फैमिली अभी वापस शिफ्ट हो रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला बड़े प्यार मोहब्बत से कि लिसन आई वांट यू कि तुम प्लीज़ मेरा घर खाली कर लो, बिकॉज अब मुझे ना स्पेस चाहिए अपनी, और प्लस काम भी मेरा चल रहा है, तो मैं काम में इतना बिजी हूँ कि मेरे को लिटरली घर में मैं आती हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता कब आना कब जाना। तो आई वॉन्टेड कि मैं अपना स्पेस, आई वॉन्टेड माई ओन स्पेस, एंड प्लस माई फैमिली वॉज मूविंग बैक, तो मुझे था कि फैमिली कहाँ रही थी। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने इसलिए उस पर मैंने आई जस्ट टोल्ड हर टू वेकेट। एंड दो दिन पहले, मतलब इस इंसिडेंट से पहले दो तीन दिन पहले उसकी मॉम आई। सो आई थॉट कि इसकी मॉम आई है, मतलब अभी 10 दिन है तो ये शिफ्ट करने के लिए ना, एक होता है ना कि पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है पैकिंग के लिए और वो सब, तो उसकी मॉम आई तो वो पैकिंग के लिए कर रही थी, तो मुझे लगा मेरे दिमाग में कि चलो पैकिंग में हेल्प करेंगी इसकी मॉम। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, बेसिकली थर्सडे को मैं और मेरी फ्रेंड थे चेष्टा, वो भी इंडस्ट्री से ही है और एक्टर ही है, सो मैं उसके साथ उसकी जिम जा रही थी डांस क्लास के लिए। तो उसने मुझे बोला, और मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली तो मैं सडनली देखती हूँ माई ब्लैक जो लॉन्ड्री बैग है वो वॉशिंग मशीन से हट के मेरे रूम के बाहर था। सो मैंने ऐसे उठाया लॉन्ड्री बैग, रखने गई, जैसे ही मैं रखने गई उसकी मॉम आती है, एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, एंड शी वॉज येलिंग, एंड शी वॉज अब्यूजिंग, लाइक फिजिकल वर्बली शी वॉज अब्यूजिंग, यू नो शी स्टार्टेड अब्यूजिंग। उन्होंने इतने फाउल लैंग्वेजेस यूज़ करने लगे, मतलब लिटरली गालियाँ देने लगी, और मैं एकदम ऐसे एकदम हो जाता है ना इंसान की सरप्राइज की अचानक क्या हो गया, मतलब मैं आंटी को बोल रही हूँ आंटी क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही है आंटी, और ज़्यादा मतलब मैं उनको बोल रही हूँ तो वो और चिल्ला रही है। मेरी फ्रेंड शीशा वहाँ पर बोल रही है कि आंटी आप चिल्ला क्यों रही है, नॉर्मल बात कीजिए, उसको भी गालियाँ दे रही है। तो मैंने उसकी, मेरी फ्रेंड जो थी, मतलब मेरी जो फ्लैटमेट थी उसकी फ्रेंड आई हुई थी वहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि ऐश्वर्या प्लीज़ टेल आंटी कि थोड़ा तमीज़ से बात करें, किस लहजे में बात कर रही हैं। तो उसने उनकी बेटी को बुला लिया, उनकी बेटी आई, उनकी बेटी ने उठा के वो लॉन्ड्री बैग फेंक रही है, सामान फेंक रही है। तो मैंने बोला आंटी ये सब तमाशा मत कीजिए, आप आराम से रहिए, मैं उसकी बेटी से बात कर ही रही हूँ। इतने में उसकी मॉम ने मुझे ग्लास से हिट कर दिया मेरे फेस पे, और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या मेरे साथ, लाइक शी हिट, और मैं आई थिंक कुछ मिनट के लिए मैं ब्लैकआउट हो गई, और मैं जब अचानक से मुझे, जब मुझे थोड़ा सा मैं सेंसेस में आई, तो मुझे ये पता था कि माँ बेटी मेरे पे चढ़े हैं, दे आर लाइक हिटिंग मी,
एंड दे हिट मी टू अ लेवल, इमेजिन मेरी फ्रेंड के सामने उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हिट किया, इतना अटैक किया ग्लास से मार रहे कि एक ने मेरा नेक चोक कर दिया ऑलमोस्ट, दैट आई वॉज ऑन अ वर्ज ऑफ डाइंग यू नो, दैट दे अटैक मी कि इतना जानलेवा हमला कि मतलब मेरी फ्रेंड वहाँ पे खड़ी हुई वो चिल्ला रही है, वो चिल्ला के भी उनको निकल मतलब उनको छुड़वा नहीं पा रही है कि इस लेवल पे कि आई हैव टू गो फॉर अ पुलिस कंप्लेंट, मैंने उनके ऊपर ऑलरेडी FIR कर दी है। बट मैं ये सारा इंसिडेंट आज टेली मसाला के साथ इसलिए बोलना चाह रही हूँ बिकॉज ये मुझसे गलती हुई कि मैंने जिनको फ्रेंड समझा, जिनको मैंने इतना ज़्यादा वैल्यू करके आप अपने घर में लेके आते हो, तो आप सोचो किसी को एक चीज़ आप घर खाली करने के लिए बोलते हो तो वो कितने एग्रेशन जो है, वो रिवेंज जो है, वो जो वेंजेस जो है उनपे, कि वो लेवल उनका कहाँ तक पहुँचा होता है कि आप सोचो कि उनके कैसे रहते हैं, मतलब कि वो आपको कितना हार्म कर सकते हैं आपको खुद ही नहीं पता। मतलब आप एक इंसान का ट्रू कलर आप अगर आपको उसका देखना है तो आपको उसको बुरी सिचुएशन में पता चल सकता है, अदरवाइज If the things are good, तो आपको तो कभी नहीं समझ आ पाएगा एक इंसान उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कैसा है। मतलब सो आई वॉज तो इन डीपली 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 ट्रामा बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। आई थिंक उस रात को इंसिडेंट में रात की मैं 1 बजे तक आई थिंक आई वॉज इन पुलिस स्टेशन बिकॉज मैं सीधा मेडिकल करवाने गई अपना, मैंने मेडिकल करवा के मैं स्टेशन में वापस पुलिस स्टेशन आई, उतने में मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं लोकल वाला, मैं देखी बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन। नेक्स्ट डे मेरी फैमिली फ्लाई करके आई बॉम्बे एंड सबसे ज़्यादा मुझे शायद अगर ट्रॉमा लगा तो मुझे इस बात का लगा कि सी एक लड़की आपस में लड़ते हैं ना तो वो भी समझ आता है कि चल ठीक है कि लड़ रहे हैं यू नो, हो जाती है लड़ाइयाँ हम आपस में एक एज ग्रुप में लोगों की हो जाती है लड़ाइयाँ, लेकिन आप सोचो किसी की मॉम से लाइक पेरेंट्स से आप आई एम श्योर ये आप इमेजिन नहीं करोगे यार, बिकॉज मैंने शायद अपने पेरेंट्स हमेशा उस वे में देखे कि यू नो कि वो मुझे समझाएंगे, बच्चों की गलती होती है तो वो समझाते हैं। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स हो गए आपके नेहा या आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स, आई फील कि मैंने देखे मेरे पेरेंट्स को यार कि वो समझाएंगे बच्चे से गलती होगी तो वो उसको समझाएंगे रैदर देन कि वो एक बच्चे को मारेंगे। मतलब मेरी फ्रेंड थी चेष्टा जो मेरे इस केस की प्राइम विटनेस है, उसने ये चीज़ की स्टेटमेंट दी वहाँ पे पुलिस के सामने कि वो एक टाइम ऐसा आ गया था ना शी वॉज लिटरली टेलिंग यू नो कि आंटी प्लीज स्टॉप। नहीं हम और ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि आप पे आज भी उस चीज़ का असर है। नहीं पर हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे उस बंदी का नाम क्या है जिन्होंने आपके साथ ये किया, उनकी मॉम का क्या है और ये केस कितना आगे बढ़ चुका है कि कुछ अभी हुआ है या नहीं हुआ है उनके खिलाफ। बेसिकली नेहा उनका नाम प्रीति राणा है, ऐसे तो उनका नाम असली में सुनीता राणा है पर आई थिंक इंडस्ट्री में वो अपना प्रीति राणा नाम यूज कर रही हैं और उसकी मॉम का नाम स्नेहलता राणा है। तो माँ बेटी ने ये किया है और केस का तो FIR हो चुकी है ऑलरेडी, जो भी है मतलब कोर्ट में जा चुका है ये केस। सो लीगली तो मैं डेफिनेटली इस पर एक्शन ले ही रही हूँ, लीगली तो मेरे लॉयर्स हैं जो सब चीज़ों को देख रहे हैं, बट आई वॉन्टेड कि यू नो सोशल अवेयरनेस हो इससे क्योंकि मेरे साथ ये हुआ और हम लोगों के साथ कैसा होता है ना कि हम लोग दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं और दोस्त से जो फैमिली तक का सफ़र होता है वो बहुत जल्दी लोगों को दे देते हैं कि हमें लगता है अरे यार हमारे साथ हैं, अच्छे से हैं, स्वीटली बात करते हैं यू नो, तो हम वो चीज़ों में बह जाते हैं। तो मुझे ऐसा कहना है लोगों को कि मेरे साथ जो हुआ वो शायद आप लोगों के साथ भी हो सकता था। और मतलब इन लोगों की आप सोचो ये कितनी बड़ी प्री प्लानिंग थी क्योंकि जिस दिन मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाई तो मुझे पता चला इस लड़की ने ऑलरेडी दो चार पाँच दिन पहले पुलिस में शायद कंप्लेन लिखवाई ही होगी, तो मुझे पता चला कि ये पूरी की पूरी इनकी प्लानिंग थी कि मतलब इनको पता था कि अगर नलिनी को, इनको तो ये पता था कि मैं तो निकल ही रही हूँ इस घर से, लेकिन नलिनी को भी इस घर से अगर मुझे निकालना है तो मुझे पुलिस को बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा सोसाइटी में। सो इन्होंने ये सारा मारपीट किया, आसपास हंगामा किया, नेबर के पास जा जा के चिल्लमचाली की इनकी, और अब सोचिए मतलब पुलिस भी वहाँ पे खड़े होकर उनको वार्निंग दे रही है, सुना रही है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हो रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि एक होता है कि क्रिमिनल, एक होते हैं लोग जो क्रिमिनल होते हैं और एक होता है जिनका माइंड इतना क्रिमिनल और इतना ज़्यादा इनका करप्ट है कि आप सोचो कि इस तरह के थॉट आ जाते हैं इन लोगों में। सो या सो आई वांट टू टेल एवरीवन कि गाइस डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। शायद आपकी लाइफ में बुरे वक्त में अगर कोई खड़ा रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली और शायद आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स
जो आपके सालों साल हैं, अदरवाइज डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि वो बात कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ डायमंड नहीं होती. सो वैसे ही हर कोई जो आपके साथ हंस खेल ले या बैठ जाए, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका दोस्त है. किसके क्या उसके अंदर दिमाग में चल रहा है, जेलेसी, वेंजेस, रिवेंज, वो आपको कभी नहीं समझ आएगा जब तक वो आपको दिखाना ना चाहे. सो गाइज, जो ये सब सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में लोग चीज़ें दिखाते हैं, ये एक्चुअली में सच होती हैं. इट्स जस्ट दैट कि हमें उनकी रियलिटी तब पता चलती है और समझ आती है जब वो हमारे साथ ये दिखती है.